गाइस अभी मैं एक थंबनेल दिखाने वाला हूँ। माय फर्स्ट ब्लॉग वीडियो का ही एक वीडियो एक आईडी में दिखाने वाला हूँ। आप सब देखिए कि उसमें कितना जल्दी से ग्रोथ किया और लड़का क्या किया, देख सकते हैं उसने क्या इस्तेमाल किया कि उसकी वीडियो वायरल हो गए। क्यों हुआ, कैसे हुआ, आप देख सकते हैं। पहले उसका वीडियो देखिए गाइस, उसके बाद मैं दिखाता हूँ कि मैं क्या वैसे क्या बोलने वाला हूँ। गाइस वो माय फर्स्ट ब्लॉग वीडियो डाला और बहुत जल्दी एकदम बहुत गाइस देख सकते हैं आप। ये देखिए गाइस, वैसे मैं बात करूँ तो इन्होंने माय फर्स्ट ब्लॉग वीडियो डाला और इसके एक घंटे में ही लगभग मेरे ख्याल से 10 की या तो लगभग 15 के मतलब व्यूअर्स हो गए थे माय फर्स्ट ब्लॉग वीडियो। इन्होंने क्या यूज किया देखिए, ये नॉर्मल एक गांव में, देखिए गांव में गया, नदी के साइड गया, वहाँ पे हरा भरा एरिया में जाके वो वीडियो शूट किया। देखिए मैं वीडियो शूट आपको प्ले करके दिखाता हूँ, ये देखिए गाइस देख सकते हैं इसने क्या बोला। देखिए वैसे ऐसे कुछ नहीं, ये कुछ भी नहीं सोचा है कि क्या इसमें क्या बोलेंगे, उतना सोचा नहीं है और वीडियो शूट किया इन्होंने। ये देखिए इसने कैसे किया, देखिए तो देखिए गाइस, इन्होंने जरा सा भी नहीं सोचा कि मैंने क्या कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, बस ये एक एरिया को चूज कर वहाँ पे जाके वीडियो को शूट किया और उन्होंने अच्छा से डाला। और गाइस वैसे मैं बात करूँ तो आपको थंबनेल बनाना बनाना ही पड़ेगा गाइस, बिना थंबनेल जैसे कि होता है ना माय फर्स्ट, जैसे माय फर्स्ट रिएक्शन जो माय फर्स्ट टचिंग वाला होता है ना गाइस, तो आपका ये थंबनेल से होता है, तो आप थंबनेल बनाने के लिए सीखें गाइस। तो गाइस गुड मॉर्निंग, हेलो एवरीवन, वेलकम माय न्यू ब्लॉग्स। गाइस आप सभी का स्वागत है हमारे एक न्यू ब्लॉग में। तो गाइस आज मैं बात करने वाला हूँ, अगर आप यूट्यूब पर आना चाहते हो तो आपके पास क्या क्या इक्विपमेंट्स होने चाहिए। गाइस वैसे मैं बात करूँ तो आप अगर फर्स्ट टाइम यूट्यूब पर आना चाहते हो तो आपके पास नॉर्मल एक कोई मतलब एक एंड्रॉयड फ़ोन होना चाहिए जिसमें थोड़ा सा कैमरा आपका अच्छा हो, बस और कुछ भी नहीं चाहिए आपको यूट्यूब पे फर्स्ट टाइम आने के लिए। बस आपको वीडियो बनाने के लिए आपके एक जैसे होता है ना कि मोटिवेट, फुली मोटिवेट होना चाहिए कि हाँ मुझे यूट्यूब पे काम करना है। तो गाइस बस एक कैमरा होना चाहिए, उस पर आप बस स्टार्टिंग कीजिए। माय फर्स्ट ब्लॉग वीडियो अपने बारे में बताइए कि मेरा नाम क्या है, मेरा नाम जो भी है, जैसे कि मेरा नाम विक्रम कुमार है तो मेरा नाम विक्रम कुमार है, मैं इतने क्लास में पढ़ता हूँ और मैं इस गाँव से बिलोंग करता हूँ, कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, ये सब आपको बोलना है। बस ऐसे बोल के आपको माय फर्स्ट ब्लॉग वीडियो को बनाना है गाइस, शूट करना। और गाइस वैसे मैं बात करूँ तो आपको फर्स्ट टाइम स्टार्टिंग में आपको सिनेमैटिक शॉट्स भी लेना है गाइस। वैसे अगर आप कहीं पे आपको अच्छा लगे, जैसे कि कोई हरा भरा एरिया आपको मिलेगी, जैसे कि कोई हरा भरा बहुत एकदम दिखने में थोड़ा सा ज़्यादा, तो गाइस वो सब आप यूज करें सिनेमैटिक शॉट्स में, घुमा के अच्छा से सिनेमैटिक शॉट्स बनाएं। क्योंकि गाइस देखते हैं आप देखेंगे, आप यूट्यूब में जाके सर्च करेंगे और देखेंगे कि तो माय सिनेमैटिक शॉट्स जो डालता है, जो भी माय फर्स्ट ब्लॉग में जो डालता है, देखेंगे एकदम पूरा हरा भरा वाला ही डालता है, तो वो ब्लॉग जैसे होता है ना कि ट्रेंडिंग करने में थोड़ा सा ज़्यादा सपोर्ट करता है गाइस, तो वो अच्छा रहता है माय फर्स्ट ब्लॉग के लिए। वैसे स्टार्टिंग आप माय फर्स्ट ब्लॉग में वही ट्रेंडिंग जो होता है सिनेमैटिक शॉट्स वाला ही डालें, उसके बाद आपका जो क्लिप है अपने बारे में जो आपने बताया है कि जैसे कि नाम हो गया, अपना एजुकेशन के बारे में हो गया, आप किस कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, वो जो हो गया, उसके बाद आप वो क्लिप को उसमें ऐड करें लगाएं। तो गाइस और मैं बात करने वाला हूँ माय फर्स्ट ब्लॉग वीडियो गाइस, वैसे उसमें एक आता है माय ट्रेंडिंग, जैसे कि मैजिक आता है माय फर्स्ट ब्लॉग वीडियो में, जो ट्रेंडिंग देखते हैं अभी चल रहा है जैसे, तो जो माय फर्स्ट ब्लॉग वीडियो का सॉन्ग है बस उसको ही लगाएं। क्योंकि गाइस उस सॉन्ग को अभी फिलहाल जो है ना माय फर्स्ट ब्लॉग ट्रेंड ज़्यादा कर रहा है, बहुत ज़्यादा एकदम ट्रेंड कर रहा है, तो आप उसी मैजिक को यूज करें माय फर्स्ट ब्लॉग में। और गाइस वैसे अगर आपके मन में होता हो कि हाँ मैं फर्स्ट ब्लॉग वीडियो शूट कैसे करूँगा, कैमरा के पास आके बोलूँगा कैसे, तो गाइस आप ये मन में जो भी ऐसा वैसा ख्याल है तो इसको आप एकदम बाहर निकालें। क्योंकि गाइस जब भी कोई भी यूट्यूबर, कोई स्टार्टिंग छोटे यूट्यूबर जब आते हैं यूट्यूब पर, तो स्टार्टिंग उनके मन में भी वही चलता है। मान के चलिए मैंने भी माय फर्स्ट ब्लॉग शूट किया था, तो ऐसा नहीं है कि मेरे मन में भी हज़ार प्रकार के सवाल आए थे कि मैं अगर फर्स्ट ब्लॉग वीडियो शूट करूँगा तो अगला क्या बोलेगा, अगर देखने वाला देखेगा तो बोलेगा वो क्या, देखो लड़का क्या कर रहा है नहीं कर रहा। तो गाइस ये सब से आपको बाहर निकल के वीडियो शूट करना पड़ेगा। अगर आप ये सोचेंगे कि अगला क्या करेगा तब तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, नहीं आप नहीं कर सकते हैं। अगर आपको करना है तो वो सबसे आपको माइंड एकदम जैसे होता है ना माइंड सेटअप एकदम, वो सबसे बाहर निकलना पड़ेगा कि हाँ नहीं अगर मुझे करना है तो करना है चाहे जो भी हो जाए। और गाइस ये सब ये एक ऐसा लाइन है गाइस, अगर आप चाहेंगे कि क्विक रिएक्शन तो वैसा नहीं है, आपको एकदम जैसे होता है ना संयम रख के काम करना पड़ेगा। आप चाहेंगे कि हाँ मैंने एक वीडियो डाला आ गया कैसे क्या हुआ, देखेंगे कि कितना व्यूअर आ रहा नहीं आ रहा, 2, 4, 10, 20, बस डिमोटिवेट हुए कि नहीं बाबा नहीं आ रहा व्यूअर तो कैसे बनाए वीडियो नहीं बनाए। तो गाइस ऐसा नहीं करना है, आपको क्विकली एकदम पर डे एकदम रेगुलर के हिसाब से पर डे आपको एक वीडियो तो डालना ही है, चाहे आप जैसे डालें। क्योंकि गाइस आप जब
वीडियो नहीं डालते, एक वीडियो से कुछ भी नहीं होता है गाइस। वैसे बोले ना बड़ा बड़ा यूट्यूबर गाइस, वैसे मैं मनोज देव की बात करता हूँ, जब स्टार्टिंग वो फर्स्ट ब्लॉग वीडियो डाले थे तो आप देख सकते उनका कैसा था, वो रहन सहन कैसा था, वो कैसे वीडियो बनाते थे स्टार्टिंग में, क्या लग रहा है? वो भी स्टार्टिंग में पूरा एकदम फेमस हो गए थे क्या? नहीं हुए थे, वो भी धीरे धीरे फेमस हुए। तो कोई भी लाइन में आपको, कोई भी लाइन में, चाहे वो कोई भी लाइन हो, कोई भी, ऐसा नहीं मैं बात कर रहा हूँ कि आप यूट्यूब पे ही करो, कोई भी क्षेत्र हो आप उसमें एक ही, जैसे होता है ना कि आप कोई भी काम जब स्टार्ट करते तो कोई भी चीज़ जब छोटे से स्टार्ट करते तो वो धीरे धीरे बड़ा होता है, ग्रोथ होता है। ऐसा नहीं है कि आप स्टार्टिंग में ही बड़ा कर दिए तो ऐसा होता है, नहीं, छोटे छोटा से ही बड़ा किया जाता है। तो इसीलिए अगर आप करना चाहते हैं तो मोटिवेट होकर काम करें, और जो भी हो रिएक्शन उसको एकदम दरकिनार करके आप अपने काम में फुल्ली मोटिवेट होकर एकदम लगल रहें, पूरा एकदम मेहनत से अपना काम करते जाएं, क्या पता कब आपका ऐसा नहीं। और हो सकता है आपने रेगुलर वीडियो डाला, मानते हैं माई फर्स्ट का वीडियो नहीं हुआ, क्या पता अगला वीडियो डालेंगे वो हो गया, वो भी तो हो सकता है गाइस। वैसे मैं भी वीडियो बनाता हूँ और गाइस मैं एकदम डिमोटिवेट कभी होता ही नहीं, एकदम मोटिवेट रहता हूँ। ऐसा नहीं कि हाँ मैंने वीडियो डाला व्यू नहीं आया, मेरे भी बहुत से वीडियो मेरे देखते हैं 2-4-5 व्यू आते हैं, तो मैं उतना टेंशन नहीं लेता हूँ कि हाँ क्या होगा नहीं होगा, ठीक है मैं फिर से एकदम मोटिवेट होकर फिर अगला वीडियो शूट करता हूँ और उसको डालता हूँ। गाइस वैसे सबके मन में होता है कि हाँ कैसे क्या होगा बहुत, और वैसे मैं बात करूँ गाइस तो बोलने वाला तो हजार हैं, बहुत कुछ बोलेंगे। मान के चलिए आपने यूट्यूब पे वीडियो डाला तो आपके कोई देखने वाला, आपके कोई चाहने वाला, तो आपके घर गांव वाले आपके देखेंगे तो बोलेंगे लड़का देखो क्या कर रहा है, कैसे टाइम वेस्ट कर रहा है। तो आपको वो सब सोचना नहीं है, बस आपको अपने पूरे लगन, अपना पूरा मेहनत करके वो सबसे बोलिए ना एकदम फुली, वो सबसे साइड होकर वैसे आपको काम करना, ठीक है गाइस। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को जितना ज़्यादा से ज़्यादा उसके सब्सक्राइब करें, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।